शहर का श्री बिल्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर रामायण कालीन है। बताया जाता है कि इसी मंदिर में रावण की पत्नी मंदोदरी पूजा करती थी। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वर दिया था। सावन में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। इनमें कुंवारी लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है। मंदिर के पुजारी हरीश चंद्र जोशी के मुताबिक श्री बिल्वेश्वर नाथ महादेव मंदिर का इतिहास रामायण कालीन है। उस समय मेरठ का नाम महाराष्ट्र था। यहाँ के राजा मय नाम के दानव थे। मय दानव की पुत्री मंदोदरी थी। त्रेता युग में मंदोदरी अपनी सहेलियों के साथ इस मंदिर में पूजा के लिए आती थी। मंदिर के पास ही एक सरोवर था जिसे सती सरोवर के नाम से जाना जाता था। पूजा से पहले मंदोदरी इसी सरोवर में नहाती थीं और फिर मंदिर जाकर शिव की पूजा करती थीं। मंदोदरी की पूजा से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा था। तब मंदोदरी ने ऐसे वर पति की इच्छा जताई जो सर्वशक्तिशाली हो। पुजारी के मुताबिक शिव जी के आशीर्वाद से मंदोदरी को रावण जैसा शक्तिशाली और ज्ञानी पति मिला। इसीलिए मेरठ को रावण की ससुराल कहा जाता है। रावण की इसी मंदिर में पहली बार मंदोदरी से मुलाकात हुई थी। सावन में मंदिर में पूजा करने से महादेव प्रसन्न होकर अपने भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। महिलाएं सोमवार का व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती हैं, जबकि कुंवारी लड़कियां मनवांछित वर पाने के लिए व्रत रखे यहाँ मनोकामना मांगने आती हैं। हरिद्वार से गंगा जल लेकर आने वाले कांवड़ियों की भी भारी भीड़ यहाँ आती है।